वेलकम आरसीआई ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर 3 एंड अवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्प्लेसमेंट। सो टुडे वी आर स्टडी अबाउट डिस्प्लेसमेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन सी द डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल पोजिशन टू द फाइनल पोजिशन ट्रेवल बाय द बॉडी। इनिशियल पोजिशन टू फाइनल पोजिशन जो बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो कहलाती है आपका डिस्प्लेसमेंट। इट इज ओनली डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन ऑफ द बॉडी, इज नॉट ऑन द पाथ ट्रेवल्ड। इनिशियल और फाइनल पोजिशंस में जो बॉडी है उस जो पाथ है उस पाथ पे डिपेंड नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल कोई बॉडी है आपकी ए, ऑब्जेक्ट यहां पे है, ए से बी ट्रेवल करती है, क्लियर, बी से सी। सो डिस्टेंस हो जाएगी दिस प्लस दिस, इट मीन्स डिस्टेंस इज ए बी प्लस बी सी, बट डिस्प्लेसमेंट इज इनिशियल टू फाइनल। इनिशियल टू फाइनल जो पॉइंट है उसके बीच की जो लेंथ है, इनिशियल टू फाइनल डिस्टेंस क्या, इनिशियल ए पॉइंट एंड फाइनल इज सी, सो डिस्टेंस ऑफ एनी बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल, इट मीन्स डिस्प्लेसमेंट इज ए सी। क्लियर, इनिशियल एंड फाइनल जो आपकी पोजिशन है ऑब्जेक्ट की, पाथ जो है वो कैसा है उस पर डिपेंड नहीं करता। इनिशियल और फाइनल पोजिशन में जो डिस्टेंस है वो ही कहलाता आपका डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट थिंग इसमें, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस वहां पे स्केलर थी, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। द यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन एम्पियर सिस्टम इज मीटर एंड सीरियस इज सेंटीमीटर। क्लियर, इंपॉर्टेंट नॉट है इसमें, इंपॉर्टेंट नॉट क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी, और जीरो, बट डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस पॉजिटिव रहेगी, डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है। इसको एग्जाम्पल्स आगे करेंगे अब तो क्लियर हो जाएगा। जो हमने डिस्टेंस में एग्जाम्पल लिया था उसी एग्जाम्पल को सोल्व करते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल है, एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम पॉइंट ए एंड रीचेस पॉइंट बी कवरिंग 4 मीटर, अगर इट कवर्स 3 मीटर फ्रॉम पॉइंट बी एंड रीचेस पॉइंट सी। क्लियर, सो सॉल्व करते हैं इसको बेटा। डिस्टेंस हमने ट्रेवल की थी कितने सेंटीमीटर आई, डिस्टेंस आई थी आपके पास 7 मीटर। अब हम कवर करेंगे डिस्टेंस। सो ए पॉइंट टू बी पॉइंट डिस्टेंस इज 4 मीटर एंड पॉइंट बी टू सी इज 3 मीटर। ओके, और हमें क्या कैलकुलेट करना है, डिस्प्लेसमेंट इज displacement is initial to final distance, so displacement AC is equal to AC. So this is the right angle triangle and here is 90, so in front of 90 is hypotenuse and this is perpendicular and this is base. So according to mathematics, hypotenuse square AC square is equal to AB square and plus BC square. Hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square. AC distance जो है वो displacement है, तो हमें AC की value calculate करनी है। AC की value क्या है बेटा, calculate करते हैं। What is AC? So AC square is equal to AB is 4 meter, 4 square, and BC is 3 meter, 3 square. So AC square is equal to 16 plus 9, 4 square is 16 and 3 square is 9. So AC is equal to square root 25 and square root of 25 is 5.
सो एसी इज इक्वल टू 5 मीटर. सो एसी इज 5 मीटर. सो डिस्प्लेसमेंट इज एसी. सो एसी इज 5 मीटर. सो ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट है 5 मीटर और डिस्टेंस क्या थी बेटा, इसकी डिस्टेंस थी 4 + 3 = 7 मीटर. इट मीन्स द रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल डिस्प्लेसमेंट. इट मीन्स डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से या तो ग्रेटर होगा या इक्वल, कुछ कंडीशन में इक्वल होगा. किस कंडीशन में? अगर मोमेंट जो है ट्रेवलिंग जो है किसी एक स्ट्रेट लाइन में है. फॉर एग्जाम्पल वन ऑब्जेक्ट मूव इन ए एंड इट इज पॉइंट बी एंड डिस्टेंस इज 5 मीटर. सो डिस्प्लेसमेंट भी 5 मीटर इन दिस कंडीशन. सो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल, बोथ आर इक्वल बिफोर स्ट्रेट लाइन मोशन. एंड रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इज डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल डिस्प्लेसमेंट. क्लियर? डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो एंड डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव. एंड वन कंडीशन इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल एंड कंडीशन इज स्ट्रेट लाइन मोशन कंडीशन. क्लियर? एनी डाउट? कोई डाउट है कमेंट कर लेना. आज के लिए इतना ही. थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच. वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. ओके, थैंक यू सो मच.